नमस्कार, मैं संजय सनम, यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, आज बात सामाजिक करूंगा और सामाजिक में मैं मारवाड़ी समाज की बात करूंगा, जिन पर मेरे 2-3 वीडियो करीब आ चुके हैं। व्यूवर्स, बात यह है कि जब हम राष्ट्र की बात करते हैं कि हमारा राष्ट्र मजबूत कैसे होगा, समृद्ध कैसे होगा, तब फिर हमें अपनी जड़ों तक जाना पड़ता है। यानी सबसे पहले हम परिवार से जुड़े होते हैं, हमारा परिवार मजबूत हो, परिवार समृद्ध हो। परिवार से फिर हमें अपने समाज की तरफ जाना पड़ता है, हमारा समाज मजबूत हो, समाज समृद्ध हो। और जब सभी समाज मजबूत और समृद्ध होते हैं, तब फिर हमारा राष्ट्र भी मजबूत और समृद्ध होता है। हमारे यहाँ हर समाज में सामाजिक संस्थाएं हैं और सामाजिक संस्थाओं के रूप में वो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। वो सामाजिक संस्थाओं का दायित्व बनता है कि समाज के हर व्यक्ति तक वो जाएं। मतलब जैसे जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, तब कहा जाता है कि राष्ट्र के मतलब उस आखिरी व्यक्ति तक जब सरकार पहुंचती है, संसाधन पहुंचते हैं, तब वो व्यक्ति मजबूत होता है, समृद्ध होता है। ठीक इसी तरह से समाज इकाई है, एक राष्ट्र के हिसाब से समाज इकाई है और वैसे तो व्यक्ति इकाई है। तो समाज मजबूत तब होता है जब समाज की सामाजिक संस्थाएं अपना सरोकार रखती है, अपना दायित्व सही रूप से निभाती है। वो ये देखती है कि समाज में कौन आर्थिक रूप से कमजोर है, किसके अंदर किस क्षेत्र की योग्यता है, उसके पास संसाधन अगर नहीं है तो उसकी योग्यता को आगे लाने के लिए हम संसाधन दें, ताकि उसकी योग्यता बढ़ती हुई समाज के साथ साथ राष्ट्र को गौरवान्वित करें। आज भी जब ये देखते हैं कि व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से उचित शिक्षा, उचित चिकित्सा नहीं मिलती, तो ये दायित्व किसका आता है? ये दायित्व आता है उस समाज की तमाम सामाजिक संस्थाओं का। और जब सामाजिक संस्थाओं की बात करते हैं, तब कुछ सामाजिक संस्थाएं वास्तव में अपने सरोकार निभाती है, अपने दायित्व को निभाती है, लेकिन कुछ, बल्कि ये कहूं कि अधिकांश सामाजिक संस्थाएं कुछ लोगों की पॉकेटी संस्थाएं हो गई है। पॉकेटी संस्थाओं का मतलब उनमें वे लोग अपना वर्चस्व चलाते हैं, मिलीजुली सरकार बनाते हैं, तय करते हैं कि इस बार इसको बनना है, इस बार उसको बनना है, और अपने कुछ लोगों के प्रभाव से पूरे समाज को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। वे सिर्फ एक डेकोरम बनाते हैं, उनके पास समृद्धि होती है, वो कार्यक्रम अच्छे करते हैं, उनके पास अपना ब्रांड होता है उद्योग का, वो उस उद्योग के ब्रांड को दिखा करके या उचित अंशदान करके राजनीतिक क्षेत्रों में राजनीतिक क्षेत्र के बड़े लोगों को बुलाते हैं और ये दिखाते हैं कि हम अपने इस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि वो ऐसा होता नहीं, वो ऐसा करते नहीं। अब बात आ रही है मारवाड़ी समाज की। इतनी भूमिका बनाने की आवश्यकता थी क्योंकि ये भूमिका मैंने इसलिए बनाई है कि मारवाड़ी समाज से के इतर भी जो दूसरे समाज के लोग सुने, वो भी ये समझें कि उनका ये दायित्व बनता है अपने अपने समाज को विकसित करें, अपने अपने समाज को समृद्ध करें, अपने अपने समाज के हर व्यक्ति की तरफ जाएं और उसकी आशा, उसकी अपेक्षा और उसे किस बात की आवश्यकता है उसको पूरा करें। देखिए, एक समाज में जब हम अपना दायित्व पूरा निभा देते हैं, तब फिर हमारी पहल होती है दूसरे समाजों की तरफ अपने दायित्व को निभाने की। और जब हम उस पहल की तरफ जाते हैं, तब वास्तव में हम राष्ट्र की तरफ आने की जो अपनी मुहिम है, उसमें हम हिस्सेदारी निभाने में कामयाब हो जाते हैं। चलिए मारवाड़ी समाज की बात करता हूं। मारवाड़ी समाज, किसे मारवाड़ी समाज कहते हैं, पहला सवाल है ये। देखिए, राजस्थान और हरियाणा ये दो प्रांत हैं
और दोनों प्रांत में मावड़ भाषा यानी मारवाड़ी भाषा, हालांकि हरियाणी भाषा है उसमें भी मारवाड़ी है, पुट अलग है, थोड़ा सा अंदाज अलग अलग है, वहाँ की अपनी विशिष्ट संस्कृति, विशिष्ट शैली और बोली का लहजा आ जाता है। आप कहीं भी जाइए, राजस्थान में जोधपुर में जाइए, वहाँ की भाषा अलग रहेगी। आप सीकर की तरफ जाइए, वहाँ अलग रहेगी। आप बीकानेर की तरफ जाइए, आप जयपुर की तरफ जाइए, थोड़ा थोड़ा भाषा का जो मिठास है, भाषा का जो अंदाज है, उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन सभी ये राजस्थानी हैं। और ये जब राजस्थान और हरियाणा से बाहर निकल करके देश के दूसरे राज्यों में आते हैं तो वहां पर इनकी पहचान मारवाड़ी के रूप में बनती है। अब आप ये समझिए, राजस्थान और हरियाणा के लोगों का कितना बड़ा एक विस्तार राजस्थान और हरियाणा से बाहर देश के विभिन्न प्रांतों में है। और जब आपको यह पता चले कि करोड़ों की संख्या में रहने वाले ये मारवाड़ी और इनका प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएं अगर ऐसी हो जिसमें मेंबर अगर अखिल भारतीय स्तर पर बात की जाए तो कुछ हजार ही हो, जबकि इनकी तादाद करोड़ों में हो, संभवतया ये 20 करोड़ के आसपास की आबादी मारवाड़ियों की हो सकती है। मेरे पास पूरा डाटा नहीं है, लेकिन एक अनुमान के रूप में कह रहा हूं, देश भर में 20 करोड़ से भी अधिक की आबादी इनकी हो सकती है। अब उसमें अगर राजस्थान और हरियाणा के लोग जो राजस्थान और हरियाणा से बाहर रहते हैं उनकी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से, वैसे तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन जो मारवाड़ी के रूप में है उसकी अखिल भारतीय संस्था का प्रतिनिधित्व में अगर कुछ हजार ही सदस्य हों, इसका मतलब क्या है? आइए मैं आपको पश्चिम बंगाल लिए चलता हूं, क्योंकि बात वहीं से उठी है और मसला वहीं का गर्म है, आरोप प्रत्यारोप उधर ही चल रहे हैं, खींचतान भी उधर चल रही है। और दुखद बात यह है कि इन लोगों ने सामाजिक संस्थाओं को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। और तभी अगर आपसी बातचीत के साथ अगर इस तरह की तकरार हो जाए कि पुलिस बुलानी पड़े, आपने सुना होगा हमारे एक इंटरव्यू में मनमोहन गाड़ोदिया जी ने वो बात कही थी। और कल मेरे पास एक खबर आई है कि कुछ जब व्यवस्थाओं में विसंगति होती है तो लोग सवाल भी उठाते हैं। सवाल उठाना गलत नहीं है, हाँ सवालों में शालीनता होनी चाहिए, बेवजह के आक्षेप नहीं होने चाहिए, लेकिन जब कोई सवाल उठाता है और उसको अगर कहीं अननोन नंबर से थ्रेटनिंग आती है तो आप समझिए यह राजनीति भी नहीं है, यह राजनीति की वो पराकाष्ठा है जिसे गुंडागर्दी कहते हैं। क्या यह किसी सभ्य समाज में स्वीकृत हो सकती है? नहीं हो सकती ना। कल रात को मेरे पास एक फोन आया, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, और उन्होंने वाकायदा, जहां तक मेरे पास खबर है, हावड़ा के गोलाबाड़ी में इसकी पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। देखिए मारवाड़ी समाज, यहां पर तो हिंसा की कोई बात ही नहीं है, उग्रता की बात ही नहीं है, व्यापारिक समाज है, सेवा भाव का है, सभी समाज के लोग सेवा भाव करते हैं, सभी समाज के लोग व्यापार करते हैं, लेकिन मारवाड़ी समाज शांति प्रिय माना जाता है, वो हाथ जोड़ करके अपनी बात को रखने वाला माना जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि जब उसके स्वाभिमान पर कोई आघात करे तो वो सहन कर लेता है, तब बराबर जवाब देता है। पर जिस समाज की पहचान व्यापार से हो, जिस समाज की पहचान अलग अलग उद्योग क्षेत्रों से हो, जिस समाज की पहचान सेवा भाव से हो, जिसके बारे में यह कहा जाए कि आप ग्राम कस्बे शहर महानगरों में निकले, आपको अगर धर्मशालाएं, आपको अगर संस्थाएं, आपको अगर शिक्षण संस्थानों की तादाद, आपको अगर चिकित्सा संस्थानों की तादाद, आपको अगर गौशालाओं की तादाद अगर यहां पर दिखे, और वहां पर आपको जरूर कोई ना कोई इस तरह का मारवाड़ी का नाम दिखेगा, अनुदान दिखेगा। गर्व होता है, हमारे पुरखों ने जो किया उस पर गर्व है, लेकिन उसके बाद के लोग क्या कर रहे हैं, इस पर सवाल है।
पश्चिम बंगाल प्रादेशिक जो सम्मेलन है उसमें सदस्यों की तादाद अगर 3000 के आसपास है तो क्या यह सवाल नहीं है? और यह संस्था कोई 10-20 साल पुरानी नहीं है। संभवतया यह हो सकता है कि 80 या 100 साल पुरानी संस्था यहां पक्की चल रही होगी। वहां पर अगर आपकी इतने ही मेंबर हैं, जबकि यहां पे तादाद बताई जाती है पश्चिम बंगाल में मारवाड़ियों की तकरीबन 40 लाख के आसपास। मैंने अपने पहले वीडियो में 10-20 लाख कहा था, मुझे जानकारी नहीं थी, ये डाटाज आ रहे हैं। वहां पर अगर आपकी सदस्यता सिर्फ इतनी ही है और उसमें बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े नाम इसलिए कहूंगा वो उद्योगपति हैं, समृद्ध लोग हैं, वो दान भी करते हैं संस्थाओं में या सेवा कार्यों में दान करते हैं। लेकिन अब जो जिस तरह से हम अंदर जा रहे हैं विषय में, अब मुझे लग रहा है ये दान का पूरा हिसाब करते हैं, पैसा वहीं लगाते हैं विशेष रूप से। मैं कुछ लोगों को छोड़ रहा हूं, देखिए हर जगह कुछ लोग अपवाद होते हैं, वो वास्तव में अपवाद इसलिए होते हैं कि उन वो इन आरोपों के घेरे में नहीं आ सकते। वो नैतिकता के साथ काम करते हैं, सेवा भावना के साथ काम करते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं। उनकी नियत में पद नहीं होता, उनकी नियत में सेवा होती है। ऐसे लोग कम होते हैं लेकिन होते जरूर हैं। मैं ऐसे लोगों को अपने इस वक्तव्य से अलग कर रहा हूं, वो न समझें। और बाकी के जो लोग हैं उन लोगों ने संस्थाओं को पॉकेटी संस्था बना रखा है। कुछ लोग तो नाम बड़े हैं लेकिन दर्शन बड़े छोटे हैं, सिर्फ दलाली का काम करते हैं। देखिए दलाल शब्द ये छोटा शब्द नहीं है, लेकिन यहां पर जो दलाली की बात है वो छोटी बात है। हर बिजनेस में दलाल ब्रोकर की भूमिका होती है, बड़ा सम्मानीय शब्द है और वो अपनी भूमिका निभाता है, दो पक्षों के बीच में एक मीडिएटर की भूमिका निभाता है और जो आपसी सौदे होते हैं, लेन देन होते हैं, इसमें उसकी भूमिका बहुत प्रबल होती है और उसका वो कमीशन लेता है, वो उसका प्रोफेशन है, हम उस प्रोफेशन का सम्मान करते हैं। लेकिन मैं यहां पर जो दलाली की बात बोल रहा हूं ये बहुत सस्ती दलाली है, यहां पर ये भूमिका नहीं निभाते। यहां पर तो ये अपने संस्थाओं के पद से अपना एक विजिटिंग कार्ड चमकाते हैं और राजनीतिक क्षेत्र के कुछ लोगों को, आप ये समझिए कुछ एमपी को, कुछ एमएलए को प्रभावित करते हैं, उन पर अपनी विशेष एक साख बनाते हैं, जहां दरकार होती है वहां अपना कुछ धन भी उड़ेलते हैं और उस राजनीतिक शख्सियत के माध्यम से ये समाज में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। और कई बार समाज के कुछ लोगों का जब काम अटकता है तो वो काम निकलवाते हैं और हो सकता है अंदर ही अंदर में बड़ी कमाई भी करते हैं, लेकिन ऊपर से बड़े शालीन दिखते हैं, ऊपर से बड़े सेवाभावी दिखते हैं, ऊपर से लगता है ओहो इनसे बड़ा तो कोई सेवाभावी है ही नहीं। अब आप ये समझिए, मेरा सवाल यह है, संस्थाओं में सदस्यता शुल्क क्या 2000, 2500, 5000 होना चाहिए? क्लबों में तो हमने सुना है, फिर संस्थाएं क्या संस्थाएं हैं या क्लब है, इस बात का निर्धारण कौन करेगा? समाज के आम आदमी को एंट्री क्यों नहीं है? आपने बाड़ क्यों लगा रखी है? 5000 रुपए सदस्यता शुल्क, कौन आएगा? क्या समाज का हर आदमी आ सकता है? नहीं आ सकता। जिसके पास अतिरिक्त धन है वो ही जा सकता है। लोग बड़े संघर्ष से पैसा कमाते हैं, मैं मानता हूं कि समृद्ध लोगों ने भी बड़ा संघर्ष करके पैसा कमाया है, लेकिन सब लोगों की वो किस्मत नहीं होती। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके पास योग्यता भी नहीं होती। आप पैसों की बाड़ लगाते हैं जिससे हर कोई व्यक्ति अंदर नहीं आए, और कुछ लोग मिल बैठ करके पदों की बांट जोड़, गठजोड़ कर लेते हैं, इस बार ये होना है, इस बार वो पद उसको जाना है,
और एक दूसरे पर जब आरोप लगते हैं तो फिर उनके समर्थन में खड़े होते हैं या चुप्पी साध लेते हैं। मेरा सवाल है कि जब मारवाड़ी समाज पश्चिम बंग प्रदेशिक मारवाड़ी सम्मेलन पर जब कोई बात हो रही है तो समाज के जो विशिष्ट लोग हैं, जो विशिष्ट अपने आप में बने हुए हैं समृद्धि की वजह से, और जो कभी न कभी इस पद पर रहे हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर मैं फिर कहूंगा, वे आज चुप क्यों हैं, बोल क्यों नहीं रहे? वो इसलिए नहीं बोल रहे कि सवाल उन पर भी उठ सकते हैं, इसलिए बच रहे हैं, डर रहे हैं, कतरा रहे हैं। और इस समाज की कमजोरी यह है कि समाज में जो विरोध करने वाले हैं उन्होंने भी सही रूप से विरोध नहीं किया, वो भी समाज के आम आदमी तक नहीं पहुंचे। अगर समाज के आम आदमी को जगा दिया होता, मारवाड़ी समाज के आम तबके को साथ में ले लिया होता, तो ये खास लोग फिर किसी भी कार्यक्रम में मंच पर बैठने से कतराते। अभी तक वो जिसे शोभा समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि हमारा स्वागत, हमारा अभिनंदन, कतराते। उन्हें लगता कि कहीं कोई आम आदमी की भीड़ मंच पर नहीं चढ़ जाए, उनसे सवाल न पूछने लग जाए। अब वो वक्त आ गया है। मेरा विरोध किसी से नहीं है, मेरा आक्षेप किसी पर नहीं है, मैं विसंगतियों पर बोल रहा हूं, और विसंगतियों पर आवाज अब समाज के आम आदमी की हो रही है। मारवाड़ी समाज जैसे इतना समृद्ध कहा जाता है, क्या कभी किसी ने देखा कि समाज में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास योग्यता तो है लेकिन अर्थ के साधन नहीं है? और कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों को तो अपने दरवाजे की चौखट पर इस तरह से शायद बिठा रखा होगा कि वो इनके यस मैन होकर के काम कर रहे होंगे, उनकी मजबूरी होगी। जब समाज की संस्थाएं अपने समाज के लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरे, तब फिर उन लोगों को बदल देना चाहिए। जिस तरह से हम राजनीति में कहते हैं कि अगर सरकार देश के हित में काम नहीं करे तो फिर सरकार को बदल देना चाहिए, ठीक वही बात फिर यहां पर समाज में आती है। लेकिन वो बदले इसलिए नहीं जाते क्योंकि वोटिंग का अधिकार ही नहीं होता, वो लोगों को मेंबर ही नहीं बनाते, वे अपने ही लोग रखते हैं, इसलिए बदले नहीं जाते। तो आज का मेरा वीडियो मारवाड़ी समाज के सभी लोग इस देश में जहां कहीं भी रह रहे हैं उन लोगों से निवेदन करने का है। आप अपने अपने शहर में देखिए, राजस्थान और हरियाणा से दूसरे जो प्रांत है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, आप अपने अपने शहर में देखिए, पता कीजिए कौन सा सम्मेलन, कौन सी संस्था आपके समाज की चल रही है, कौन प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उसमें मेंबर कितने हैं। सबसे पहला सवाल है कि मेंबरशिप फीस टोकन होनी चाहिए, सिर्फ टोकन। समाज के हर आदमी को अधिकार है समाज की संस्था की सदस्यता लेने का, और लोकतांत्रिक रूप से सब काम होने चाहिए। संस्थाएं किसी की पॉकेट में नहीं रहनी चाहिए, संस्थाओं पर किसी व्यक्ति विशेष का या किसी वर्ग विशेष का आधिपत्य नहीं रहना चाहिए। संस्थाएं समाज की धरोहर है और समाज के व्यक्तियों की वो संपत्ति है। समाज के हर एक व्यक्ति का अधिकार है उस संस्था के मंच पर, उस संस्था के पटल पर जाकर के अपनी बात कहने का और उस संस्था में भागीदारी करने का। मैं सभी मारवाड़ियों से विनम्र अपील करता हूं, अपने अपने शहर, अपने अपने प्रांत, अपने अपने कस्बे, अपने अपने गांव में टंटोलिए और सवाल पूछिए, और जहां पर आपको लगता है कि आपका नेतृत्व सही व्यक्ति के हाथ में है उसका सम्मान कीजिए। मेरा सवाल उनके लिए नहीं है, मैं उनका सम्मान करता हूं, सम्मान करूंगा, लेकिन जिन लोगों ने संस्थाओं को पॉकेट ही संस्था बना करके रखा है, वो अब पद्धति, अब वो दिन लद गए हैं, ये बता दीजिए, आवाज उठाइए शालीनता के साथ। अब शब्द नहीं, किसी के सम्मान और
प्रतिष्ठा पर कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने काम गलत किया है, कोई गलत कर रहा है, तो उसका विरोध शालीन शब्दों में जोरदार होना चाहिए और पद की लालसा के साथ विरोध नहीं होना चाहिए। हमारे यहां क्या होता है, कुछ लोग विरोध करते हैं और जब उन्हें वे ही लोग जिनका वो विरोध करते हैं, वे लोग जब उन्हें कोई पद ऑफर कर देते हैं तो फिर उनका विरोध खत्म हो जाता है। ऐसी व्यवस्था भी नहीं होनी चाहिए। और जब कोई ऐसा करे तो उसको भी सबक सिखाइए। दोगलापन नहीं चलेगा, पद की लालसा नहीं चलेगी, योग्यता का सम्मान सर्वत्र होगा। और मैं तो कई बार यह कहता हूं कि बिना पद के भी लोग जो योग्य होते हैं वो पद से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। समाज के लोग उनको ज्यादा पूछते हैं बिना पद के भी। आपकी योग्यता बोलनी चाहिए, आपकी सच्चाई बोलनी चाहिए, आपकी निर्भीकता बोलनी चाहिए, आपकी स्पष्टवादिता बोलनी चाहिए। दोस्तों, जब हम राष्ट्र को मजबूत करने का संकल्प करते हैं तो सबसे पहले हमारा समाज मजबूत हो, हमारे समाज का हर एक व्यक्ति मजबूत हो। और आपसी राग द्वेष न रखें, किसी का विरोध इसलिए नहीं करें कि वो आपका प्रतिद्वंदी है। अगर उसके अंदर योग्यता है उसका सम्मान करें, उसकी अच्छाई को स्वीकार करें। बुराई का विरोध है, व्यक्ति का विरोध नहीं है, विसंगतियों का विरोध है। हम व्यक्तिगत विरोध की बात नहीं कर रहे हैं, विसंगतियों के विरोध की बात कर रहे हैं। और व्यक्ति का विरोध उसमें इसलिए आ जाता है क्योंकि विसंगतियां उस पर उसके साथ चल रही होती है। मारवाड़ी समाज को अपनी संस्थाओं की तरफ देखना होगा, जागरूक लोगों को देखना होगा, युवाओं को देखना होगा। और मैं नारी शक्ति को, मातृशक्ति को विशेष आवाज दे रहा हूं। आप बहुत कुछ कर सकती हैं। आप अगर सड़क पर निकल जाएंगी, आप अगर किसी ऐसे सम्मेलन में चली जाएंगी तो अच्छे अच्छे लोग अपनी कुर्सी छोड़ देंगे। उन्हें फिर ये पक्का डर लगेगा कि अब जब महिलाएं घर से बाहर यहां की स्थिति को देख करके आ गई है तो अब उनकी कारस्तानी नहीं चलेगी। मैं चाहता हूं कि मारवाड़ी समाज के युवा, मारवाड़ी समाज की महिला शक्ति और मारवाड़ी समाज के प्रौढ़ समझदार लोग मिलकर के समाज को मजबूत और विकसित करने का, और हमारे पुरखों ने जिस विचार के साथ, जिस मूलभूत विचार के साथ सामाजिक संस्थाओं का निर्माण किया था, उनकी गरिमा और मर्यादा की रक्षा करने का ये समय है। अगर आपको लगता है कि मेरी बात सच्ची है, आप अगर इसका समर्थन करते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़िएगा, बल्कि मैं कहूं कि मेरे टेलीग्राम से जुड़िएगा। और आपको अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी भूमिका निभानी है। विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना है, सुधार करने के लिए विरोध करना है, सुधार करने के लिए सवाल उठाने हैं। पॉकेटी संस्थाएं अब नहीं चलेगी, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अगर समाज जग गया, आम आदमी जग गया समाज का, आम आदमी हाथ फैला करके अपने अधिकार नहीं मांगेगा। उसका अधिकार है समाज पर, वो समाज का सदस्य है। जिस समाज में वो जन्म ले लेता है उसकी सदस्यता वही हो जाती है। संस्थाओं की सदस्यता तो सेकेंडरी है। और कोई संस्था अगर यह कहे कि यह हमारा सदस्य नहीं है तो उस सवाल का जवाब दीजिए, मुंह पर जवाब दीजिए, समूह से जवाब दीजिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कीजिए शालीनता के साथ। राष्ट्र को मजबूत करना है, समाज को मजबूत कीजिए। जब समाज मजबूत होगा तभी राष्ट्र आगे बढ़ेगा। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और मारवाड़ी समाज के इस वीडियो को मैं पार्ट नंबर 3 से दे रहा हूं, और उसके बाद पार्ट नंबर आगे से आगे चलते जाएंगे, आप यहां पर देख सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों की ये भावना है कि इन विषयों पर बोला जाना चाहिए, और मुझे भी लगा कि बात उचित है, इसलिए ये सवाल उठाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मेरी सफलता असफलता कुछ भी नहीं है। अगर
बात आगे तक पहुंचती है, सुधार होता है, तो ये आप लोगों का सामूहिक प्रयास होगा। मैं तो सिर्फ एक माध्यम बना हूं, और अब आप लोगों को साथ में जुड़ना होगा, क्योंकि ये समाज की बात है और समाज की बात ही कहीं ना कहीं राष्ट्र की बात बनती है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।